हेलो दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप रोमांच से भरपूर, सरप्राइज से भरपूर अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन कल है आखिरी मुकाबला, खिताबी मुकाबला। फ्रांस, पूर्व चैम्पियन फ्रांस, और पहली बार सबको हैरान करते हुए फाइनल में आने वाली क्रोएशिया के बीच। खिताब किसके सर चढ़ेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व नेशनल फुटबॉलर और टीवी और रेडियो की एक जानी मानी आवाज़, हिंदी कमेंट्री की आवाज़, गौज़ मोहम्मद सर। हेलो सर, आपका स्वागत है LiveHindustan.com में। शुक्रिया। तो सर, एक क्रोएशिया सबको हैरान करते हुए, सबको चकित करते हुए फाइनल में आई, दूसरी फ्रांस। आप एक प्लेयर के तौर पे भी कहें, एनालिस्ट के तौर पे भी कहें, कि किसके सर आप ताज देख रहे हैं? ये वर्ल्ड कप में अननोन प्लेयर और जो यूनिट मिलके खेली है वो जीते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करें फ्रांस की और क्रोएशिया की, इसमें आपने देखा होगा कि फ्रांस के पास जो डेप्थ है, जो शूटिंग है और जो लगातार अटैक करने का, उसमें कम से कम चार खिलाड़ी ऐसे हैं कि अगर वो ओलंपिक में 100 मीटर्स में आएंगे तो पता नहीं चलेगा इनमें से कौन फर्स्ट प्लेस पे आए। दूसरी बात है, क्रोएशिया के साथ और बेल्जियम के साथ एक मजबूत पक्ष ये है कि वो यूनिट की भांति खेलते हैं। तो यहाँ पर एक आकर्षण होगा हमारे पास फ्रांस का, और एक यूनिट होगी। आप देखो, जंग के अंदर वही जीतता है जो यूनिट एक लड़ती है, एक सिपाही नहीं जीतता। तो यहाँ पर क्रोएशिया एक मुश्किल मुकाबला देगी फ्रांस को। क्रोएशिया का गेम स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग देखने को मिलती है, गोल लेट आता है, तो उस स्ट्रैटेजी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो एक उनके लिए लॉस फैक्टर हो सकता है, या उनका एक अच्छी स्ट्रैटेजी का वही फैक्टर है? क्रोएशिया का सबसे मजबूत पक्ष है वो उनका मिडफील्ड है, जो वो पैक करके रखते हैं। अगर आपका मिडफील्ड अच्छा है, यानी बैकबोन अच्छी है, तो फिर आप चल फिर सकते हैं। बिल्कुल, आप तो एक गेम प्ले बनता है, फॉरवर्ड और मिड डिफेंडर दोनों की आप मदद करेंगे, तो ये तोड़ना होगा। और जैसा आपने शुरू में कहा था कि फ्रांस की पहली कोशिश रहती है कि वो जल्द से जल्द स्कोर करें, लेकिन आप ये भी देख लीजिए, वो जल्द से जल्द स्कोर करने में ओपन स्पेस देते हैं, यानी आप अटैक में गए तो आपके पीछे दुकान खुल गई। तो यहाँ पे अगर वो काउंटर अटैक में क्रोएशिया ने गोल किया तो क्रोएशिया वापस नहीं आने देता, क्रोएशिया खुद वापस आ जाता है। हम कैप्टन्स की बात करें कि लुका मॉड्रिच की इस समय बहुत बात हो रही है, एक टीम को फाइनल में लेके गए पहली बार अपने देश को, दूसरी ओर लॉरेस हैं उनके कप्तान, तो दोनों की कप्तानी के हिसाब से फाइनल में किस तरह से प्रेशर रहेगा, या क्या उनके लिए खास हो सकता है स्ट्रेटेजी के तौर पे? देखिए, लॉरेस की अच्छी चीज़ क्या है, एज ए फॉर्मर गोलकीपर मैं ये बता सकता हूँ कि गोलकीपर को पूरा फील्ड दिखता है। लॉरिस बोल के खेलते हैं, मैन ऑन, आगे जाओ, पीछे आओ, अपने डिफेंस से बात करते हैं, अपनी मिडफील्ड से बात करते हैं, वो हमेशा कम्युनिकेट करते रहते हैं क्योंकि गोलकीपर को पूरा फील्ड दिखता है। एक थर्ड पोजीशन मैच होता है, आज है इंग्लैंड है और बेल्जियम का मैच है, तो उसका किस तरीके से क्या महत्व होता है वर्ल्ड कप का दर्शकों के हिसाब से, अगर हम जानना चाहें, इस चीज़ को समझना चाहें? यहाँ पे थर्ड प्लेस का मैच का जो खास वजह यही है कि प्राइज मनी ज़्यादा होती है, तो चलो वो प्राइज मनी मिल गई, लेकिन मुश्किल मुकाबला ये फाइनल से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अपने आप को जोश में लाना पड़ता है, दिलो दिमाग और पूरा डू एंड डाई खेलना पड़ता है। आपके पास सब लूज हो ही चुका है, और यहाँ पे देखिए, इंग्लैंड और बेल्जियम आसान मुकाबला नहीं है, बेटर देन फाइनल हो सकता है, इसलिए मिस मत कीजिए। केवल क्रोएशिया ही नहीं, आइसलैंड की बात करें या हमारे साथ में जापान की बात करें, एशिया की टीम, कोरिया की टीम, जिन्होंने उलट फेर करके दिखाए, तो भारत को इससे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो एक चलन हो गया है, हम यूरोप को कॉपी कर रहे हैं। यूरोप एकदम अलग है, वहाँ के ज्योग्राफिकल क्या, सोशल क्या, हर चीज़ अलग है और हमारा अलग है। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ कहते हैं कि लिवरपूल आ गई, MU आ गई, सब जगह से अकेडमीज़ आ रही हैं, खेल रहे हैं। आपकी अकेडमी यहाँ पर आती है जी, और जो उसमें स्कूल के बच्चे भाग लेते हैं, उनके पास पैसा होता है देने के लिए, सीखने के लिए जी, जी। जब वो कॉलेज में जाते हैं तो कैरियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। पर पहले हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, जब हमने 2 बार एशियन गेम्स जीता और हम 56 ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुँचे, तो वहाँ ये था, इंस्टीट्यूशनल लीग बहुत स्ट्रांग थी, यानी जो ऑफिस की टीमें होती हैं वो थी, और सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी
सबके पास था, और उसके अंदर अगर आप परफॉर्म करते थे तो आप ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, डेम्पू, वट एवर इट इज़, आप पेशेवर क्लब में जाते थे। हमारे पास वैरायटी थी जी जी। अब हमारी वो वैरायटी ख़त्म हो गई। अब हम देखो साउथ के अंदर फुटबॉल दिखाई नहीं देती, अगर आप बेंगलोर को छोड़ दें तो, और अब राजस्थान में तो है ही नहीं। आपने देखा होगा लोअर मिडिल या मिडिल क्लास के कितने बच्चे आज हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, ज़बरदस्त नाम कमा रहे हैं, उन्हें मालूम है वहाँ पे अंडर 14 खेलो पैसा है, 16 खेलो पैसा है, 18 खेलो पैसा है, 20 खेलो पैसा है, रणजी दिल वट एवर आप खेलो उसके अंदर पैसा है। तो कहने का मतलब है सिक्योरिटी मांगता है पेरेंट्स भी, तो यहाँ फुटबॉल में वो फिनिश होते जा रही है, ये हमारी उतार का कारण है। मान लीजिए एक लड़का कहे कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो एक अलग रिस्पांस आता है, भाई वाह क्या क्रिकेट खेलते हो सही अच्छा है, और एक कहता है भाई मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो उसका जो रिस्पांस है वो थोड़ा कमज़ोर होता है। तो क्या ये कल्चर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, क्या उसमें किस तरह से डिफरेंस आया है पुराने में नए में? आप देखिए आईपीएल हुआ तो हर प्रदेश में, चाहे वो 10-10 ओवर का हो, 15-15 ओवर का हो, सब जगह आर्थिक रूप से पुरस्कार मिलते हैं, पैसा मिलता है, और बच्चे खेल रहे हैं तो उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग बन रहे हैं। लेकिन फुटबॉल में आप देखें तो फुटबॉल में आप एकेडमी में जाते हैं तो यू हैव टू पे, ये नहीं है कि आप अच्छा खेल रहे हो तो एकेडमी से पैसे मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं है। हिंदी कमेंट्री आप सालों से करते आ रहे हैं, AIR में लोगों ने आपको सुना है, टेलीविजन में सुना है, तो इंग्लिश में एक अलग टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर अलग होता है कमेंट्री का, हिंदी पट्टी के जो पार्ट जो दर्शक हैं सुनने वाले हैं वो उसको कैसे कनेक्ट कर पाए, उसमें आप मतलब किस तरह से आप उसको करते हैं? हिंदुस्तान में अगर आप हिंदी में कमेंट्री करते हैं तो आपको एक टीचर की, प्रोफेसर की भांति होना चाहिए, आपको बच्चे को एजुकेट करना है, बुजुर्ग को एजुकेट करना है कि ये है। और समटाइम ऐसा होता है कि कोई बहुत आपने लुका मॉड्रिच की बात भी हम बोल सकते हैं यार ये बिल्कुल सुनील गावस्कर के जैसा है ना, ऐसे तो वो उसको एकदम पता लगेगा कि ये इतना फेमस है या इतना इसके अंदर डेप्थ है, तो ये सब चीज़ पता लगती है। हम बॉल को कनेक्ट करने के लिए भी क्रिकेट के, हाँ हम बीच बीच में एग्जांपल देते थे, और हमें ये फक्र है कि हमने हिंदी कॉमेंट्री को उस जगह पर लाया जहाँ इंग्लिश वाले बात करते थे। आप कब देखते हैं भारत को वर्ल्ड कप खेलते हुए? देखिए मैंने कहा अब काफ़ी एक्सपर्ट्स को जो बहुत पुराने पुराने हैं, अच्छी फुटबॉल खेल चुके हैं, वो मुस्कराते हैं, वो कहते हैं कि कयामत तक भी नहीं। मैं इस चीज़ से इत्तफाक नहीं रखता। आप देखिए ये वही साउथ कोरिया है, वही जापान है, और ये वही सऊदी अरब है जो हमारे सामने खड़े नहीं हो पाते थे, हमने इनके खिलाफ 2 बार एशियन गेम जीते हैं। आप देखो दिमाग की फुटबॉल भी हमारे पास खेलते हैं, ताकत की भी फुटबॉल खेलते हैं, हम किसी से पीछे नहीं हैं। हमको ये चाहिए कि हम इसको फैशन नहीं पैशन बनाए, तब हम जल्द खेल सकेंगे। तो सर इसी नोट के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे बातचीत को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि जो भी सर आपने बताया है दर्शकों तक वो चीज़ पहुँचे, और आज के वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है ये तो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आज का वर्ल्ड कप मैच देखिए, कल का फाइनल ज़रूर देखिए, और वर्ल्ड कप से जुड़ी, फुटबॉल से जुड़ी सारी खबरें आप देख सकते हैं livehindustan.com पर। हमारी इस बातचीत का वीडियो आप YouTube पे देख सकते हैं, Facebook पेज पे देख सकते हैं। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए livehindustan.com। थैंक यू।